रीना सेजवाल, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज। इस वक्त मैं सुरभि अपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पे गणतंत्र दिवस कितने धूमधाम से मनाया गया है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खास बात यह है कि इसमें ACP ML मीणा भी शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले तो सुरभि अपार्टमेंट के सभी रेजिडेंट्स को और जो हमारे द्वारका एडीआरएम फोरम के प्रेसिडेंट गणतंत्र चौथे गणतंत्र दिवस को दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमने काफ़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अरेंजमेंट कर रखा था। सारे सर्वेयर के साथ में सारे के सारे पोस्ट लगा रखी थी, काफ़ी टिकट्स बैरिकेड बॉर्डर टिकट सभी से लगा रखे। सर क्राइम छोड़ कर उनकी भी आए यहाँ पर लोगों के यहाँ पर, इसके लिए क्या कहेंगे लोग? जब सारे के सारे बुला रहे हैं क्राइम में, वहाँ हमने काफ़ी उनको समझा के उसके बाद में आए और पब्लिक ये बहुत ही ज़रूरी है आना, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ है तो उसके बारे में भी सभी को सारे के सारे सभी सोसाइटी सभी धर्मों के एक राष्ट्रीय पर्व है, उसमें आना भी अपने आप में खुशी ही महसूस हो कि आना भी चाहिए। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह है, मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ सुरभि अपार्टमेंट का। जी क्या कहेंगे आज गणतंत्र दिवस की? गणतंत्र 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सारे सुरभि वासियों को और सारे भारत वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है, हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम इसको आगे और मजबूत बनाए, देश के संविधान के तहत रह के हम अपने कानून को सपोर्ट करें और देश को सही बैंकिंग रखें। हाँ, मेरा नाम सुचेता सिन्हा है, मैं सुरभि अपार्टमेंट की एक रेसिडेंट हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। और यही है आज गणतंत्र दिवस को लेकर क्या है? गणतंत्र दिवस आज गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हमारी सोसाइटी में है कर रहे हैं, चूँकि हर जगह आज पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस ही एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे भारत के हर जाति वर्ग के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ये हमारा संविधान ही है, ये हमारे संविधान की ही खासियत है। हमारा संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके जरिए, हमारे संविधान के जरिए हमने इसमें अब गरीब से गरीब लोग, छोटे से छोटे लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये हमारे संविधान की एक खासियत है। मेरा नाम राधा कृष्णन है, मैं सुरभि अपार्टमेंट RWA का ट्रेजर हूँ। सबसे पहली बात, मैं सब आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आज के 74वें गणतंत्र दिवस की, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सुचेता जी का, जिन्होंने आज चीफ गेस्ट के तौर पर द्वारका ACP को इनवाइट किया, उन्होंने ध्वजारोहण किया हमारा। और ये पहली बार हुआ है हमारे पूरे काल के सोसाइटी में पिछले 28-20 सालों से कि कोई चीफ गेस्ट आए हैं एंड उन्होंने एक अच्छा लेक्चर भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, पुलिसिंग पे और डे टू डे रियलिटीज़ पे। द्वारकाधीश अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट, यहाँ सुरभि अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट और RWA ने मुझे इनवाइट किया आज के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में, इससे मुझे बहुत सम्मानित और गौरवित फील हो रहा है। और यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया, ACP साहब आए, बल्कि कल एक हादसा भी हुआ, क्राइम भी हुआ, उसको देखते हुए ACP साहब और SHO साहब सबने सहयोग दिया और आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ अच्छा रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है, अभी खेल कूद का भी कार्यक्रम है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गणतंत्र दिवस पे इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि भारत माता के सम्मान के लिए किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम को शुरू करता हूँ मैं, और सबसे पहले श्री श्री एक मिनट लेंगे इनका जो रंजन जी। इस शुभ अवसर पे आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की नव पहचान, कोटि कोटि जनता ने पाया अपना निर्मित नया विधान, हुए सभी हम भारतवासी, हुए सभी हम भारतवासी अपने निर्मित के निर्माता, अंग्रेजी कार्य नियमों से मुक्त हो गई भारत माता, अंग्रेजी कार्य नियमों से मुक्त हो गई भारत माता, बिना भेद के पाई सबने, बिना भेद के पाई सबने एक अनोखी अवसर समता, बिना भेद के पाई सबने एक अनोखी अवसर समता, जनता ने पहचानी फिर से विश्व बदलकर अपनी क्षमता, जनता
तो देखा आपने कि कितने धूमधाम से ये खुशी का अवसर मनाया गया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल द्वारका न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं रीना सेजवाल, नमस्कार।